नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम आज बात करेंगे परीक्षा पर योगी सीन। नीट और नेट की परीक्षा लीक होने के बाद छात्रों से लेकर नेता सड़क पर उतर आए। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार परीक्षा लीक मामले में नए कानून लाने जा रही है। पेपर लीक रोकने और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार कड़ा कानून लाएगी। नए कानून में सरकार की ओर से भारी जुर्माना, बुलडोजर की कार्रवाई और जेल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। पेपर लीक पर सख्त एक्शन मोड में योगी। गड़बड़ियों पर लगाम के लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में बरती जाएगी सावधानी। सीएम के आदेश पर जारी की गई नई नीति, दायरा तय। प्रश्न पत्रों की छपाई और एजेंसी चयन को लेकर भी सख्त नियम। परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक और अभ्यर्थियों को लेकर दिशा निर्देश जारी। रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि के दायरे में होंगे परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्रों को 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव जरूरी। डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर परीक्षा केंद्रों का चुनाव। परीक्षार्थी की सख्त जांच व परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों के चयन में बरती जाएगी सतर्कता। सरकार हम लोगों का दर्द नहीं समझती, कीड़े मकोड़े हैं क्या हम लोग कि कोई भी आकर रेंगते चला जाएगा। नीट के बाद नेट की परीक्षा में गड़बड़ी ने छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा कर दिया है, तो वहीं एनटीए पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि 18 जून को हुई नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जगह जगह अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और हंगामा जारी है। इससे पहले यूपी पुलिस का पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द की जा चुकी है। इस पूरे माहौल को देखते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार कड़े फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब योगी सरकार सख्त एक्शन मोड में है। भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक मामलों ने योगी सरकार की छवि पर सवाल खड़ा किया है। सरकार ने परीक्षा केंद्रों के गठन को लेकर बड़े आदेश जारी किए हैं। यूपी में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र अब रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि के दायरे में ही होंगे। पहले ही सीएम योगी ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। अब स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा केंद्रों के बनाए जाने से वहां की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि परीक्षा के दिन इन केंद्रों तक प्रश्न पत्र आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। पहले दूरस्थ इलाकों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने से पहले ही प्रश्न पत्र भेजना होता था। इसमें प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना अधिक रहती थी। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए अब परीक्षा केंद्रों के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर नई नीति जारी। सीएम योगी के निर्देश पर पेपर लीक जैसी स्थिति पर लगाम लगाने और परीक्षाओं में धांधली खत्म करने के लिए नई नीति जारी कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जिला कोषागार से 10 किलोमीटर के भीतर रखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों को 3 साल परीक्षा करने का अनुभव होना जरूरी कर दिया गया है। शहर की आबादी के भीतर परीक्षा केंद्र रहना अनिवार्य किया गया है। साथ ही वहां जाने के लिए सड़क के साथ यातायात साधन की व्यवस्था होना जरूरी की गई है। परीक्षा केंद्रों के भवन में बाउंड्री वॉल, पेयजल, शौचालय के साथ ही बिजली और जनरेटर की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सुना आपने कि अब एक नया कानून लाने को तैयारी में है योगी सरकार। कल जब मैं चर्चा कर रहा था कि भाई आप कार्रवाई करिए, लोग डरे सहमे थोड़ा,
सिर्फ ये हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उतने ही हिस्सों को देख रहे हैं जितना कि हमें दिखाया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि जितनी तेज़ी से इस बार यहाँ पर ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने सील लगाने का काम किया है, इससे कितना लीकेज रुकेगा? क्योंकि एआरओ का पेपर हो, पुलिस भर्ती के 65 लाख बच्चे हों, इस सील से कितना फायदा उन्हें मिलने वाला है? और वो कहावत ना सच हो जाए कि बड़ी देर कर दी सजन आते आते। चर्चा करेंगे इसी पे। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह, बीजेपी नेता, जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक त्रिपाठी जी, आपके पास ही आऊँगा। आलोक जी, जैसे चीज़ों को देखें, अगर हम इससे पहले भी हम लोग कई बार इस मुद्दे को लेकर, मुद्दा ये तो नहीं लेकिन मुद्दा इसी तरीके का होता था नेट और नीट का, आपकी तो परीक्षा को रोकने के लिए नई रणनीति बनाई है, एक नया सब कुछ है कि भाई 10 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन घूम फिर के बात वहीं पर है। क्या इन सारी चीज़ों से जो पूर्व में गलतियां हैं वो रुक जाएंगी? देखिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय में अगर देखें, एक के बाद एक पेपर लीक होना, परीक्षाएं निरस्त होना, तो ये चुनाव से के दौरान भी इसको लेकर के बड़ा हल्ला मचा और नेता, जो अन्य पार्टियों के जो नेता थे, उन्होंने इसको मुद्दा बनाया चुनाव में। और उस चुनाव परिणाम आने के बाद फिर जिस तरह से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इसको लेकर के एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये शायद बहुत बड़ा, कहीं आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा ना बन जाए। सर, म्यूट हो गए आप। लीक मामले को लेकर के खराब हो रही थी, तो उसी को लेकर के यूपी सरकार ने ये एक प्रयोग किया है या करने जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या इस तरह के जो नए प्रयोग हो रहे हैं, उस प्रयोगों से क्या जो पेपर लीक होते थे वो रुक जाएंगे? क्या इससे जो परीक्षाएं का जो एक क्लियरेंस रहता था कि साफ सुथरी परीक्षा हो पाएगी, ये फिर भी सवाल रहेगा, क्योंकि जो इसमें नियमावली बनाई जा रही है, जो तरह की अभी जानकारी मिल रही है कि 10 किलोमीटर दायरे में, तो इसका बहुत ज्यादा नहीं, मेन चीज तो ये है कि आखिर ये पेपर लीक कैसे होते हैं? आखिर जो पेपर लीक करते हैं या पेपर लीक से एक ग्रुप जो संचालन कर रहा है, इन पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? जब तक इन सब पे कड़ा प्रावधान नहीं होगा, तब तक इस तरह की परीक्षाएं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखिए तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही पेपर लीक होने लगे हैं और उसके बाद परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं, तो उससे युवाओं का, बच्चों का भविष्य तो चौपट हो रहा, साथ ही साथ उनका जो पैसा है उनका, उस परीक्षा को कराने के लिए दौड़ भाग करके सेंटर में आना, फिर शुल्क जमा करना, बड़ा लॉस हो रहा है आर्थिक से साथ साथ उनका, मतलब तमाम चीजों के नुकसान हो रहा है। तो इससे लेकर के ये प्रयास जरूर किया है योगी सरकार ने, लेकिन ये बहुत ज्यादा कारगर मुझे नहीं लगता जब तक आप इस पे सख्त एक्शन नहीं लेंगे कि आखिर पेपर लीक, जो पेपर बनता है वहां से लेकर के पेपर सेंटर तक पहुंचने के बीच में जो लोग इस कड़ी में जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, चूंकि जब तक भय नहीं होगा इन इस तरह के लोगों में, इस तरह के ग्रुप में, तब तक इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उस पे अंकुश नहीं लग पाएगा। और बिल्कुल, इन व्यवस्थाओं पे अगर अंकुश नहीं लगेगा तो हम ऐसे रोज प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। आलोक जी, अरविंद सिंह आ गए हैं, डॉक्टर अरविंद सिंह हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह जी, आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हैं? पेपर लीक को आपने किस तरीके से देखा? क्या मन में सवाल आया कि यार सरकार है, इस पर कठोर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए? अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है अरविंद सिंह। आप अनम्यूट कर लीजिए, आपको आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है।
मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे नौ तो जो युवा बच्चे आगे बढ़ रहे देश का भविष्य है, उनके साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, ये कुछ माफिया है जो अराजक तत्व के रूप में है प्रदेश में, तो ये वाकई में अतिनिंदनीय है। हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे देश के भविष्य के साथ इतना बड़ा जो खिलवाड़ हो रहा है, जब तक इन्हें कठोर दंड दिया नहीं जाएगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। ये कुछ नहीं कुछ बाईपास रास्ता जरूर देखते हैं, उसके उपरांत एक बड़ी घटना कर देते हैं, जो कि हमारे अभिभावक बच्चे सबके सब ऐसे अंधकार में जीवन में डूब जाते हैं कि उनके आगे को दिखाई नहीं पड़ता। तो समस्या तो बहुत बड़ी है, और इसका निदान भी अगर कोई कर पाएगा तो हमारे योगी सरकार, योगी सरकार में इतनी शक्ति है कि जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा है इससे पूर्व में जो जो उन्होंने निर्णय लिया है, कि चाहे खनन माफिया का मामला हो या भू माफिया का मामला हो, अगर हमारी सरकार ने, हमारे योगी जी महाराज ने अगर वो सोचा तो उन्हें ऐसे दंड दिया है कि वो दोबारा उस चीज की पुनरावृत्ति करने के लिए वो क्या उनके रिश्तेदार नातेदार सब कांप जाते हैं कि कोई ये कदम अगर उठाएंगे तो हमें महाराज छोड़ेंगे नहीं, योगी सरकार हमें छोड़ने वाली नहीं है। ठीक उसी प्रकार अब ऐसी दंड नीति, कठोर नीति हमारी योगी सरकार ला रहे हैं, जिससे इन नकल माफियाओं पे शिकंजा कसा जा सके और हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य सुनिश्चित किया जा सके कि जितना वो दिल लगा के मेहनत करते हैं उसके अनुरूप वो परीक्षा देने के बाद उन्हें अंक तालिका में वो अंक दिखे। ये तभी संभव हो पाएगा जब बाहरी अराजक तत्व अपनी जो कर देते हैं उसी की हद से उससे बाहर जाएंगे, तभी हम लोग ये कंट्रोल कर पाएंगे। तो हम पूरे आश्वस्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी प्रदेश के छात्र छात्राओं को कि जरूर ये कठोर नीति का दिखेगा असर आने वाले आपके समय में, जो भी आगे परीक्षाएं आने वाली हैं। बड़ा सवाल यह है कि दो पेपर तो यूपी में ही लीक हो गए। मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा। ये देखिए, एआरओ का पेपर लीक हुआ पता ही नहीं चला, पुलिस भर्ती में 65 लाख बच्चे, ये नीति पे तो पहले काम हो जाना चाहिए भाई साहब। यूपी जैसा राज्य है, यहाँ पे तो इतना आसान नहीं होता, यहाँ हर घर में एक नेता है। यही करने जा रही है कि ऐसा हम तो छुपाए सोच रहे कि ट्रांसपोर्टिंग की समस्या जो है, जहां जे हम देखते हैं उस पॉइंट को, ट्रांसपोर्टिंग में प्रॉब्लम कहीं नहीं कहीं हुई, लोगों की अभिलाषा ऐसे बढ़ी कि वो गलत हरकत कर जाते हैं। कोई नहीं कोई करने वाला अपना व्यक्ति में हो, अपने लोग ही होते हैं, हमारे मनुष्य ही है, तो उनकी प्रवृत्ति को इतना तगड़ा कठोर दंड दिया जाए कि उनकी हिम्मत ही ना पड़े कि ऐसे काम कर ले। तो ऐसे कठोर कदम हमारे योगी जी महाराज उठाने वाले हैं जल्द से जल्द, वो मैं इंतजार करूंगा उस पूरे कठोर कदम का। मैं इंतजार करूंगा उस पीले वाहन का जिसको बाबा का बुलडोजर कहा जाता है, और उस एक एक शिक्षा माफिया जो बन के घूम रहे हैं ना, उनके घर जब तक नहीं चलेगा तब तक आपसे अरविंद सिंह जी सवाल जवाब करता रहूंगा। और आपने आश्वासन दिया है तो पकड़ूंगा भी आप ही को। मैं मोहम्मद साजिद के पास चलूंगा। साजिद भाई, आपकी सरकार रही, शिक्षा के लिए कोई काम नहीं, मुझे लैपटॉप देने के लिए बात मत बताइएगा, मैं शिक्षा को, पिछली 20 सालों में शिक्षा ही एक ऐसा विभाग था जिसको लेकर कोई भी सरकारें ना तो ये कहने को आई कि नहीं शिक्षा विभाग भाई साहब बहुत अच्छा चल रहा है, शिक्षा विभाग को मनोरंजन विभाग बनाकर रख दिया गया है। कहीं 65 लाख बच्चा पेपर दे रहा, वो भी लीक, कहीं तो स्वतः संज्ञान लिया जा रहा है नेट की पेपर का। मतलब इस देश में इतना हाईटेक हो चुका है ये देश कि अब तो सब एआई, इंटेलिजेंस और तमाम चीजें हैं, कहीं किसी को पता ही नहीं लग रहा, खबर नहीं लग रही, और सीधा गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट जारी कि पेपर लीक। साजिद जी, देखिए समाजवादी पार्टी के साथ पारदर्शिता के साथ हूँ, कोई परीक्षाओं में इस तरीके का गुजरात का कनेक्शन नहीं था। अब जो भी परीक्षाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं गुजरात की कंपनियां करा रही हैं, संघ के लोग करा रहे हैं, जो पहले से पेपर आउट हो जाता है। इससे पहले अभी नीट वाला एग्जाम था जिसमें पहली बार 67 जो है वो 720 में 700 आउट
लेकर आए, ये भी पहली बार हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक ही सेंटर के है, बच्चों ने पहले भी जब ग्रुप पर वो चला था पेपर, जब लीक हुआ तो लोगों ने शिकायत की, बच्चों ने शिकायत की, लेकिन नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये समझिए, ये परीक्षा नहीं चल रही है, युवाओं के बच्चों के साथ, देश के बच्चों के साथ, युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गुजरात की कंपनियां जो है वो परीक्षाएं करा रही हैं, उनको ठेके दिए जा रहे हैं, और उसके बाद वो जो है वो परीक्षाएं उसके पेपर लीक कर रहे हैं और पेपर बेचे जा रहे हैं। ये बात कई बार खुलासा हो चुका है, और जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोई अगर कार्रवाई की गई है तो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? अभी तक गुजरात की कंपनी के खिलाफ एफआईआर हुई है तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? मीडिया में बयानबाजी की जाती है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए ये आलम है कि हाँ अच्छा हो रही है, वो लगातार परीक्षा उसका जो है वो पहले से पर्चा लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो रही है। इससे पहले यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी, 60,224 पदों के लिए परीक्षा हुई, उसमें लाखों आवेदन आए, लेकिन जो है वो भी परीक्षा रद्द हो गई। उसके बाद आर ओ ए आर ओ नीट यूजी यूजी परीक्षा यूजीसी समेत तमाम परीक्षाएं रद्द हो चुकी है, लेकिन किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं। अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 43 पेपर तो मुझे लगता है कांग्रेस ने डाल दिए हैं कि 43 पेपर लीक हुए हैं। अरविंद जी, ये संख्या और भी अधिक होगी। मैं अरविंद जी के पास चला। अरविंद जी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मतलब इतने पेपर लीक होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं, अब आज कल जब बवाल देखा आपने, हर जगह हो रहा है, तो एक आदेश आया है, नई प्रणाली। ये अधिकारी करते क्या है? ये जब ये सोचते हैं क्या कि सरकार की जब सत्ता पिट जाए तब हमारे फील्ड पे? ये करते क्या, इनका काम क्या है? मैं आपके जरिए ही पूछूंगा सवाल अब, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि ये बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कर रहा है, और जितने ये टॉप मोस्ट लोग क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ लंदन छुट्टी मनाने जाते हैं? ना कोई यूपी में शिक्षा का बहुत बड़ा ग्राफ बना दिया है, पेपर लीक होता है तो कोई बयान नहीं आता है, सब मत्थे मर दीजिए मुख्यमंत्री जी के। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? भले शिक्षा के सचिव घूम रहे हैं, इन लोग कर क्या रहे हैं? बड़ा सवाल तो ये है भाई, इनसे सवाल जवाब क्यों नहीं हो रहे हैं कि टेंडर जब निकाला गया तो तुमने किसको दिया टेंडर? मैंने तो कदम की बात कही है, वो केवल उन माफियाओं तक सीमित करने में माहिर है। ये कठोर कदम उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो संलिप्त है, चाहे वो माफिया के लोग हो या कोई अधिकारी संबंधित, कहीं भी कोई अगर कमियां पाई गई तो उसको योगी सरकार समूल नष्ट करने का जितना अच्छे से अच्छा प्रयास होगा वो करके दिखाएगी। और आने वाले समय में भी जैसा मैं कह रहा हूँ कि अन्य माफिया जैसे जो भी थे उनके खिलाफ कठोर कदम उठाया गया, उसका रिजल्ट दिख रहा। ऐसे मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आने वाले कुछ समय के बाद नजदीक न बन के दिखे तो कहिए माफिया भूल जाएंगे कोई ये कि ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे परीक्षा करवाते समय कोई मामला हो, कहीं भी कोई अगर ये घटना दोबारा जिसका कठोर कदम होने जा रहा है, आप कहेंगे अपने सरकार ने ये मामला उठाया, वो घटना उठी, सरकार ने आपके पास फिर से आएंगे। अरविंद जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, हम दर्शकों को लेंगे हमारे साथ। आपकी आवाज़ अरविंद सिंह जी हम तक नहीं आ पा रही है, हम और हमारे साथ कुछ दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश हैं, दर्शक कानपुर से। सुरेश, अपनी बात को रखें। विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कठोर कदम उठाए हैं ये हेलो हाँ, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, ये जो कठोर कदम जो नए कानून बनाए हैं, जो नकल माफियाओं को ऊपर शिकंजा कसने का काम किया था, यही काम अगर वो पहले से ही कर लिया जाता तो आज ये स्थिति धरना प्रदर्शन की ना होती, और अधिकारी पे जो शिक्षा अधिकारी वगैरह है इनको तुरंत तत्काल टाइप करना चाहिए। ऐसी जो गड़बड़ियां आपकी सामने, वो गड़बड़ियां नहीं सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। सुरेश, चंद्रप्रकाश एक दर्शक कुरुक्षेत्र से है, चंद्रप्रकाश जी अपनी बात को रखें। चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती डॉक्टर की डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ उनको 20 इंजेक्शन या 20 दवाइयों के नाम बता सकती है? वो नहीं बताएगी, क्योंकि वो भी उसी प्रकार पास हुई है जैसे उसका भाई नौवीं
नौवीं फेल है और वो जो है बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है, उसका पर्सनल सेक्रेटरी सब कुछ कर रहा है और हमारे देश के राजनेता क्या हम लोग मूर्ख है क्या? देश की जनता मूर्ख है, देश की जनता ने तख्ता पलट दिया, बीजेपी को कहां से कहां ला दिया और कांग्रेस को कहां से कहां ला के पटका। प्रबुद्ध लोग हैं देश में और मीडिया सशक्त है, सशक्त मीडिया के होते हुए जनता अपने विचार रख सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीसा भारती जैसी अगर हॉस्पिटल में जाएंगी तो वो इंजेक्शन का ठोकेंगी मरीज को, पेंसिलिन का इंजेक्शन है और उनको लगा दिया कैंसर का इंजेक्शन तो वो तो अगला तो मर गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के राजनेता खास तौर पे इस समय कांग्रेस जो राजनीति खेल रही है उनको डूब मरना चाहिए कांग्रेस को। मेरे बड़े कड़वे शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ कांग्रेस। शुक्रिया चंद्रप्रकाश जी अपनी बात को रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी पर चर्चा करेंगे हम, आज बात कर रहे हैं परीक्षा पर योगी सील की। पिछले दिनों हुए से लगातार नीट को लेकर बवाल आ रहा था, लेकिन परसों रात को जब नेट का पेपर भी रद्द कर दिया गया, बड़े लोग खुश तो नहीं हुए होंगे इस बात से, लेकिन 11 लाख बच्चों ने इस पेपर के फॉर्म को भरा था और लगभग 9,17,354 बच्चों ने उसको पेपर को दिया, लगभग 81% बच्चों ने पेपर दिया था और वो रद्द हो गया। उनकी उम्मीदों को धक्का लगा है, उनकी पूरी तैयारियों को धक्का लगा है। इसको लेकर अब सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। योगी सील, ये योगी सील कितनी कारगर होगी और जो गाइडलाइन बनाई है ना, इन गाइडलाइन से क्या क्या फायदा मिलने वाला है, इस पर चर्चा करें। परीक्षा पर योगी सील ये कितनी कारगर होगी, ये कितना इम्पैक्ट डालेगी उन शिक्षक माफियों को, ये देखना होगा। गाइडलाइन तो कई चीज़ों की है, गाइडलाइन तो ये भी है कि पिछला टू व्हीलर गाड़ी पर कोई पीछे बैठेगा तो हेलमेट लगाएगा, कितने लोग लगाते हैं सबको पता है। गाइडलाइन बनती ज़रूर है लेकिन उनको फॉलो कराने वाले वो अधिकारी इतने नकारा हो चुके हैं कि उन्हें सिर्फ अपना एसी कमरा दिखता है और शाम को सरकारी आवास, क्योंकि इनके पास बिल्कुल इच्छा नहीं करती कि ये लोगों की बातों को सुने, ये युवाओं का काम करे। अगर 65 लाख की भर्ती जब नहीं हो पाई, रद्द हो गई, उस पर भी क्या एक्शन किया? इन अधिकारियों पर जाँच होनी चाहिए, इनकी संलिप्तता को भी देखना चाहिए, ये कितने जुजारूपन से लगते हैं। अगर हम नेट के पेपर को भी रद्द कर रहे हैं, हम नीट के पेपर, तो आने वाले समय में पीसीएस और यूपीएससी का क्या होगा? इन पेपरों को भी लेकर बहुत संशय है और जिन भी बच्चों के साथ या अपने उन लोगों के साथ जो कि इन सब एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, बैठे हैं, वो बड़ा इन सब चीज़ों को लेकर गंभीर हो कह रहे हम आगे का क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। आलोक त्रिपाठी जी के पास चलूँगा। आलोक जी, जहां तक मेरा मानना है, हर उस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए जो इस पूरे विभाग में या कैसे भी जुड़ा हो। अब जैसे मान लीजिए पुलिस भर्ती बोर्ड ने कुछ भर्ती निकाली, तो उसको लेकर सबको एक होना चाहिए कि भाई इन ये फला का ये काम है, फला का ये काम है। वहां तो किसी का कुछ मुझे रूल ही नहीं समझ में आता है। अभी मैं देख रहा था कि रेडियो ऑपरेटर की नौकरी निकली थी, उसमें बीएड वालों ने भर दिया तो आईटीआई वाले नाराज हो गए, वो भी 2.5 साल से चल रहा है इसी यूपी में। मिसाल जी देखिए, जो भी परीक्षा होती है उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी एजेंसी की या जिस किसी उस विभाग के मुखिया की होती है, तो ये स्वाभाविक है कि जब कोई पेपर लीक हो रहा है तो आखिर वो पेपर लीक, पहली चीज तो लीक हुआ कैसे, उसके लिए जो इतना आसान काम नहीं होता पेपर को लीक करना। इसका मतलब जो उस चेन सिस्टम में शामिल होते हैं उन्हीं में से ही लोग कुछ चंद रुपयों के लिए, कुछ फायदा पहुंचाने के लिए उसमें पेपर को लीक कराने में शामिल होते हैं, तो आखिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? कि पिछले कुछ वर्षों देखिए, एक के बाद एक, आखिर साल दो पांच पांच साल से लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, 400-500 किलोमीटर दूरी से पेपर देने आते हैं, सेंटर पड़ता है, दिन रात इतनी भयंकर गर्मी में लोगों ने पेपर दिया, पेपर दे नहीं पाए, पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उनके भविष्य से जुड़ा हुआ बच्चों के सवाल है, उनका भविष्य चौपट हो रहा है, एक साल बर्बाद हो गया उनका पूरी तैयारी करने के बाद। आप यहाँ तो ये हो गया कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, जब ज्यादा दबाव पड़ेगा तो ये हो गया पेपर फिर से होगा, लेकिन उनके एक साल जो बर्बाद हुआ उसकी कीमत क्या है?
उसको तो सोचना पड़ेगा ना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर जिन एजेंसियों ने इसमें लापरवाही की, जिन लोगों ने इसमें लापरवाही की, जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ या जिनकी वजह से पेपर को कैंसिल करना पड़ा, आखिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? उनके खिलाफ ये इस तरह के जो बुलडोजर चले उस तरह उनका उनसे वसूली हो तो लगेगा उनको कि इस तरह की जो चीजें हैं वो इतना आसान नहीं होंगी। तो कहीं इस तरह के जो पेपर लीक है या पेपर को निरस्त करने का जो मामले आते हैं उस पर कहीं अंकुश लग पाएगा। लेकिन होता क्या है कि इस तरह के मामले होते हैं, जांच होती है, जांच कब तक चलेगी, क्या होगा, दो चार लोगों की गिरफ्तारी होगी और मेन मुखिया पता नहीं चलता है, और उसके बाद दूसरा पेपर होने से पहले फिर एक नई खबर आ जाती है, पुराने पेपर का पता नहीं चलता है कि पुराना पेपर जो लीक हुआ था उसमें क्या हुआ, उसमें कौन गिरफ्तार हुआ, उसके खिलाफ एक्शन क्या हुआ, तब तक दूसरा पेपर की लीक खबर आती है, वो सुर्खियां बन जाती है। तो आखिर हमको एक कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा इस तरह के मामले में, इस तरह की एजेंसियों को, कि जो भी इस तरह का लीक होता है उसमें उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं न्याय मिले जो एक साल दो साल पांच साल से तैयारी करते हैं और बाद में जब पेपर देने को पता चलता है कि उनका पेपर तो इस साल बेकार हो गया, अब अगले साल फिर तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और सरकार को इस पे गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि ये पिछले काफी समय से इस मुद्दा चल रहा है और काफी नौजवान आंदोलन रहते हैं, पेपर दे रहे हैं उसके बाद आंदोलन कर रहे हैं, फिर न्याय की मांग कर रहे हैं, तो ये तो उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो सरकार को इस पे संजीदा होना पड़ेगा और कुछ ऐसी एजेंसियों को, ऐसे जिम्मेदार लोगों को इसमें लगाना पड़ेगा जिससे कि इस तरह के बार बार जो पेपर मामले हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल, अंकुश नहीं लगेगा तो ये युवाओं के लिए एक वो हार होगी जो ना चाहते हो उनको झेलनी पड़ेगी। अरविंद सिंह जी क्या कहेंगे आप? एक्शन में है और इतना बड़ा एक्शन इसीलिए लेने जा रही है कि हमारे उन छात्रताओं का जिन्होंने जो सपना देखा है, जो एक दिन अपने मेहनत के बदलत अच्छे अंक प्राप्त करने का सपना जो देखा है, उस अंक को प्राप्त करके जीवन को संवारने का जो सपना देखा है, सपने को पूरा करने में जो भी बाधाएं आ रही इस प्रकार के अराजक तत्व के शामिल होने के बाद, उसको समूल नष्ट करने का योगी जी ने जो प्लान कर लिया है वो प्लान बहुत ही कारगर साबित होगा आने वाले समय में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे छात्रताओं का भविष्य जो सपना देखेंगे उनकी योग्यता के अनुरूप पूरा होगा, चाहे वो उसमें संस्था शामिल हो इस कार्यक्रम को, इस कार्य को जो निगेटिव करने के लिए, बेकार करने के लिए, या वो अधिकारी हो या कोई मिलेटर हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आने वाले समय में उन संस्थाओं को जो शुचिता के खड़े पे, उस पर जो मानक है, उस पर जो खड़े हैं, उन्हीं को ही ये व्यवस्था दी जाएगी, उन्हीं के ऊपर ये विश्वास किया जाएगा कि जो हमारे छात्र छात्राओं जिसपे सोच रहे हैं कि ये संस्था सबसे अच्छी है, उनके हाथ में दी गई है, तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। ऐसा ही कुछ कार्य करने वाली हमारी योगी सरकार है, वो भी देख लेंगे। मुझे तो आशा है जो बातें आप कह रहे हैं सच हो। एक दर्शक हैं गिरीश, हमारे साथ जुड़े हुए। गिरीश अपनी बात को रखें ना, इनके पास काबिल ऑफिसर रह गए हैं, इन्होंने धीरे धीरे देश की बुद्धि संपदा को नष्ट कर दिया और देश में एक पैरेलल शैक्षिक व्यवस्था खड़ी करा दी कॉमर्शियल ढंग की, और देश की जो शैक्षिक व्यवस्था थी उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। देश का अनुशासन इन्होंने खत्म कर दिया इन्हीं नेताओं ने, देश की चरित्रहीनता इस देश में इन्हीं नेताओं ने बढ़ाई है, सब कुछ इस देश का खत्म कर दिया इन्होंने। अब यह देश को सुधार लेंगे, हमारी चैलेंज है मोदी और योगी का नाम लेके हम चुनौती देते हैं, वो सुधार कर दिखा दें। अगर जिस दिन इनसे न सुधरे मुझे बुला लें अपने पास, मैं इनको सुधरवा दूंगा इनके पास बैठ करके, ये नहीं कभी सुधार करते, चैलेंज है। तमाम जानकारी लेने के लिए साजिद भाई के पास चलेंगे। साजिद भाई आपको कितना भरोसा है जो बातें अरविंद सिंह कह रहे हैं? मुझे शिक्षा, ये जो नया जो ये योगी जी का फैसला है, इस पर मुझे तो बहुत भरोसा है और रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, भाई एक सीएम है हमारे, उनकी बातों का भरोसा इसलिए करना ज़रूरी है कि अगर नहीं करेंगे तो उन्हें आगे उनकी गलतियों के बोल भी नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है उन्हें भी ये, अगर उन्होंने कोई चीज़ रणनीति बनाई है उस पर आगे आना चाहिए। लेकिन मुझे फिर मेरा वही सवाल है घूम फिर के, कहीं देर तो नहीं करती बहुत? ये सबसे पहले मैं बात बताऊं आपको कि जो शायद ये आदेश या जो एक पॉलिसी बनवाई है ये अधिकारियों ने सही उसको पढ़ा नहीं है। जितनी भी चीजें हैं इसमें अधिकांश चीजें पहले से ही लागू है, सुरक्षा को लेकर, सीसीटीवी को लेकर, केंद्र को लेकर जो बनाए जाते हैं। एक केवल इतना है कि स्टेशन और उसके आसपास केवल 10 किलोमीटर के दायरे में, ये संभव नहीं है, क्योंकि जो शहर का खासतौर से जो रेलवे जंक्शन या कचहरी जो आसपास का इलाका होता है
मैं सुविधाएं सर उसमें इतने शिक्षण संस्थाएं नहीं होती है जहाँ पे कि एग्जाम पूरे करा दिए जाए। इसके लिए दूरी का कोई वो नहीं है, उसमें दूरी होना तय है और वो 15 से 20 किलोमीटर तक की रेंज में उसके जो सेंटर है वो जाएंगे, क्योंकि शहरों में स्टेशन के आसपास इतने बड़ी संख्या में जो है वो स्कूल कॉलेज नहीं होते हैं, थोड़ी दूरी से ही होते हैं, क्योंकि वो इलाका कोई नहीं छोटा है और 10 किलोमीटर की पड़ती से वो निकलेंगे। दूसरी चीज, जितनी चीजें हैं जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें कोई चीज नहीं है, ये पहले ही ये मानक है और ये मानना के हिसाब से आपसे परीक्षाएं होती है। कोई दीवार ना हो और ये कोई ये जो एग्जाम बोर्ड की और इंटरमीडिएट के बोर्ड की उसके लिए भी यही मांगे रखे जाते हैं, तो शायद उन्होंने पॉलिसी को कहीं से पढ़ा नहीं और जो अधिकारियों ने पॉलिसी बनवाई है कहीं ना कहीं उसमें झूठ है। लेकिन आप ये बताइए कि किस परीक्षा में कोई बड़ी कार्रवाई हुई है अभी तक, जब जरा जरा छोटे छोटे मामलों में छेड़छाड़ जैसे मामले में बुलडोजर पहुंच जाते हैं लोगों के घरों पर तोड़फोड़ कर देते हैं, तो अभी तक किसी परीक्षा का पर्चा रद्द वो कराने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, जो परीक्षा का पर्चा लीक हो गए हैं या जो एजेंसियां हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, FIR हुई है तो क्यों सारी के लिए नहीं हो रही है, और इतने लोग परीक्षा का पर्चा लीक कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भाजपा से जुड़े हुए संतों के हैं या भाजपा से या भाजपा के नेताओं से, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये लोग परीक्षा कराना नहीं चाहते इसीलिए ये पहले परीक्षा लीक करा देते हैं, क्योंकि परीक्षा होगी तो युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी लेकिन ये नौकरी देना नहीं चाहते। यही कारण है कि देश दुनिया में हिंदुस्तान बेरोजगारी के नंबर 7वें नंबर पर पहुंच गया है और 83% युवा देश का बेरोजगार है। ये लोग बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना ही नहीं चाहते, ये युवा विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये महिला विरोधी है और आप देखिए कि ये किसी भी मोर्चे पर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, विफल है केवल ये बातों के सिवाय और जो है वो केवल नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, उन जो आदमी जो सरकार उनकी परीक्षाएं नहीं करा सकती ईमानदारी के साथ निष्पक्षता के साथ तो वो युवाओं को रोजगार कर देंगे, इससे ये समझा जाता है। अरविंद सिंह जी जवाब दीजिए, तो युवा विरोधी बता रहे हैं आपकी सरकार को। आवाज अरविंद सिंह जी आवाज आपकी बड़ी दिक्कत दे रही भाई, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो हमारे मत्थे आप मर दीजिएगा कि फला चैनल में गए तो आज बोलने का मौका नहीं मिला। हम तो 5 बार आपसे कह चुके कि आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अब आ गई, अब आ गई आवाज आपकी। अब कितनी देर तक आएगी इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था आवाज आपकी नहीं आ रही अरविंद जी, फिर से आप एक बार रिकनेक्ट हो जाइए, तब तक मैं आलोक त्रिपाठी जी के पास चलता हूँ। आलोक जी, लगभग बहुत लंबा समय आपने पत्रकारिता में गुजार दिया, एक समय था कि राजनाथ सिंह की सरकार आती है और नकल विरोध विधेयक आता है, जिसमें मैंने मुझे जितनी जानकारी मिली और मैंने जब पढ़ा अड़ा कि टीचर तक गिरफ्तार हो गए, हथकड़ियाँ लग गईं, बड़ा बवाल हुआ, बड़ी तारीफ हुई राजनाथ सिंह की कि भाई आते ही झट से उन्होंने शिक्षा पर वार किया। पिछले कुछ समय से 2007 में जब मायावती की गवर्नमेंट आती है तो गौतम बुद्ध नगर में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, मुझे लगता है GBU गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी करके, और उसके बाद से आप यूनिवर्सिटियों का स्ट्रक्चर देखिए कितनी यूनिवर्सिटियां बनी या किसी बनी यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा तैयार किया गया हो। हम उतने ही हिस्सों में घूम रहे हैं जितने हमको याद हैं, BHU इलाहाबाद, अलीगढ़, IIT कानपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, बस इतनी दूर में हम घूम रहे हैं और हम इसी में खुश हैं कि हमारे UP में IIT है, हमारे यहाँ BHU है, हमारे यहाँ अलीगढ़ है और लखनऊ विश्वविद्यालय जो खूब नेता देता है। लेकिन मूल बात यह है कि शिक्षा का स्तर पे हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया। आलोक जी। जी विशाल जी, देखिए अगर मतलब ये देखें कि कुछ वर्षों में
मतलब पेपर लीक या पेपर परीक्षा होने के बाद परीक्षा निरस्त, ये बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है और ये कहीं ना कहीं एक सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आखिर वो जो व्यवस्था दे रही है वो किस टाइप की व्यवस्था दे रही है कि आए दिन पेपर लीक हो जाता है, आए दिन आपकी आवाज नहीं आ रही है जो अब आ गई, आ गई आपकी आवाज, आ गई। हाँ, तो मुझे जो लग रहा है कि क्या सरकार में बैठे अधिकारी क्या वो सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं कि जो इस तरह का, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरह का पेपर लीक होता है, परीक्षाएं निरस्त होती है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी संख्या में युवा सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हैं, सरकार को के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, सरकार के विरोध में जाते हैं। तो क्या सरकार के में बैठे लोग ये चीज को नहीं समझ रहे हैं? क्या सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारी क्या सरकार विरोधी कार्य कर रहे हैं जो इस तरह के आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं? कैसे पेपर लीक हो सकता है जब हमारे पास आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम अरे सोशल मीडिया ही लीक कर रहा है, ये सोशल मीडिया ही लीक कर रहा है, उसके बाद भी पेपर लीक, ये सोशल मीडिया ही लीक कर रहा है भाई साहब, ये सोशल मीडिया ही है जो लीक कर रहा है। मैं तो कल का वो पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो देख रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है कि ये साइबर अटैक है, उसके जरिए पेपर लीक हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो गृह मंत्रालय ने जो लेटर जारी किया है नेट के पेपर के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिसको आपने अपना हथियार बनाया कि सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा दिखेंगे, ज़्यादा लोग, तो वो हथियार बन गया था, अब वो हथियार नासूर बन गया है, अब उसमें आपको दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएंगी। आलोक जी, विशाल जी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है विशाल जी। ओके, अरविंद जी अगर आ गए हैं तो उन्हें भी स्क्रीन पर ले ले, उनकी आवाज अब आ रही है। अरविंद जी, अब आप सवाल सुन नहीं पाए थे, मैं फिर से आपको सवाल बता दे रहा हूँ। साजिद जी ने आपकी सरकार को युवा विरोधी, किसान विरोधी कहा कि आप नौकरी देना नहीं चाहते हैं। और अरविंद जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या साजिद जी ने क्या कहा? कहीं कट जा रही आवाज। हाँ, आपने साजिद जी ने ये कहा कि आपकी सरकार युवा विरोधी है, आपकी सरकार युवा विरोधी। साजिद भाई ने क्या कहा? अगर साजिद भाई ने जो कहा वो आप सुन रहे हो तो अब मेरी बात सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार युवा विरोधी है, आपकी सरकार ये चाहती रही कि युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए पेपर लीक कराती है। एकदम विपक्ष का मामला है, साजिद भाई को हम लोग अच्छा कार्य करेंगे, उसको भी वो गलत सिद्ध करेंगे, यही विपक्ष का काम है। हेलो, मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके साथ कहते कहते अरविंद जी कि आप लोग डिजिटल इंडिया पर इतनी बात करते हो और आपके साथ ये नेटवर्क का इशू मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और ये सही कह, आवाज आई, अब आपकी आवाज आ रही है, जा रही है। डिजिटल इंडिया पे आप लोग इतनी बात करते हैं, दुनिया को आपने फोन पे ला के खड़ा कर दिया और आपके फोन की ये हालत है, कैसे चलेगा काम? नेटवर्क इश्यूज है, कहीं हो जाता है, उसमें क्या किया जाए, कुछ मौसम आजकल आज गड़बड़ है, उसी की वजह से हमको लगता है नेटवर्क के कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अब अपनी जवाब दे दीजिए, अभी आपकी आवाज ठीक है, वरना फिर आप रुक रुक के बोलेंगे। साजिद भाई को जवाब देता हूँ, साजिद भाई का काम है कि सरकार जो भी मौजूदा सरकार होगी, विपक्ष उसका विपरीत में बात करेगा, तो हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है और उस रास्ते पे काम कर रही है। जहाँ कहीं बाधाएं आती है, कोई भी सरकार है, कुछ न कुछ दिक्कतें आती है, उस दिक्कतों का पूर्णतया समाधान करने की अगर कोई शक्ति है तो योगी सरकार में हो। वो मैं पहले भी कह चुका हूँ साजिद भाई से,
जो भी माफिया की अगर माफिया गिनती करेगा तो उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में हो, चाहे भूप माफिया हो चाहे हमारा खनन माफिया हो, ये एक उत्तर प्रदेश को पूरा भारत देश एक मॉडल के रूप में ले रहा है। योगी सरकार के हर कार्य को एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यही मॉडल नकल विरोधी का जो मामला है, अब देखना ये मॉडल के रूप में इतनी कड़ी शक्ति की जाएगी कि देखना दूर दूर तक ये जो नकल माफिया है सोचना बंद कर देंगे, उनकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी कि ये हम कुछ तो हमारे की सरकार अब छोड़ने वाली नहीं है। उम्र कैद इतना बड़ा जुर्माना करोड़ों का, उनकी हिम्मत नहीं होगी, जो कमाएंगे उनके पुश्ते भी नहीं पूरी कर पाएंगे। आज से कड़े कानून लाने तो हमारे तो मैं बता रहा हूँ साजिद भाई अभी फोन पे लग गए हैं, लेकिन वो एक विशाल बनेगी। साजिद भाई बात सुन रहे हैं आपकी पूरी, विशाल जी। हाँ साजिद भाई आपकी बात सुन रहे हैं, साजिद जी, विशाल जी। हाँ हाँ अब आपके आपका जवाब भी तो ले लूँ। साजिद भाई आवाज आ रही है आपको, आप फोन पे लगे हैं, इसकी शिकायत है उनको। साजिद भाई अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। राजनीतिक जो भावना के चलते उन्होंने कुछ लोगों पर भी उसी के कार्रवाई की है, लेकिन अधिकतर क्या आप बताइए जो बीसी बीएचयू में जो एक छात्रा के साथ रेप की घटना हुई थी दोस्तों की। बड़ी घटनाएं हो रही है, क्या किसी माफिया के यहाँ कोई कार्रवाई हुई? तो केवल एक राजनीतिक दुर्भावना के चलते इसीलिए यूपी हो, क्या शिक्षा के मामला हो, सभी में लगा है। यूपी में महिला अपराध हो या क्राइम हो या किसानों के साथ जो है वो अपराध की घटनाएं हो, सभी बढ़ रही हैं और ये हर जगह नाकाम साबित हो रहे हैं, लेकिन बस ये अपने आप खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप बताइए कि इतनी परीक्षाएं लगातार, ये परीक्षाएं रद्द कराने कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से परीक्षा, इसमें 75-80 साल हो गए देश की आजादी को, 75 साल से अभी तक इतनी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई है जितनी भाजपा सरकार में हुई है। आज क्या ये बेरोजगारी का मामला हो या महंगाई का मामला हो या परीक्षा रद्द कराने का हो या पेपर लीक कराने का हो, ये रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी में ही बन सकते हैं और वही ये बनाते जा रहे हैं, क्योंकि ये युवा वोट है, इनको युवाओं को रोजगार नहीं देना। और अब ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जैसे आज एक इनके मंत्री ने गोंडा में कहा कि साहब जो है वो कांग्रेस कर रही है, अरे जो कर रही है उसको दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप परीक्षाएं करा रहे हैं पूरे देश में, चाहे रोड बने या परीक्षा हो, सब है गुजरात की एजेंसियां, चाहे लाइट लगना हो, चाहे यूपी में बिजली के हो, सड़क बनाने के हो, परीक्षा कराने के हो, क्या इससे पहले नहीं हो रही थी? कहीं ना कहीं आप खुद इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों से परीक्षाएं करा रहे हैं, लीक करें। इससे पहले जो नीट की परीक्षा लीक हुई है वो भी यूपी है जो चेयरमैन है उसके, वो कहीं ना कहीं भाजपा और संघ से जुड़े हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि 67 लोग छात्रों के नंबर 720 में से 720 आए, ये इत्तफाक नहीं है, ये सब प्लान है, प्लान का हिस्सा है। और आप जो है वो अपने लोगों को पास कराने के लिए, लोगों को उसमें परीक्षा का पर्चा बेचने के लिए, ये तो बात कई खुलासे हो चुके हैं, आरोपी खुलासे कर रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये केवल जो है वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं युवाओं। बिल्कुल, अब ये देखना होगा इसका, ये जो नई रणनीति नई नीति आ रही है इस पर क्या, इसका कितना फर्क पड़ता है यूपी में होने वाली परीक्षाओं को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका भी, अरविंद सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, साजिद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।